Hi everyone, today is the second day of our mock test paper series that we have started yesterday. So, aaj hum 5 questions solve karne wale hain from logical reasoning, which is very important for your UGC NT NET exam. Jisse har saal question aate hain, question arguments type bhi aate hain, logical reasoning mein aapke syllogism se bhi question aayenge, Venn diagram se bhi question aate hain. So, we're gonna solve five questions from logical reasoning today with proper explanation. And you can also join to our Telegram group and WhatsApp group for further test and mock test papers, जिनमें हम सुबह and शाम को दोनों time quiz लेते हैं. हम 10-10 questions students को देते हैं and they solve it and we explain them the answer. And to join these groups, हमारे description box में आपको सारा इनका link मिल जाएगा. So let's start the questions. So our first question for today is, select the correct nature of the below line. Abortion means the ruthless killing of innocent child. So हमारा first question आया है from logical reasoning part of arguments. Logical reasoning की definition से question आया है. And the question is, अगर ये statement दी है, abortion means the ruthless killing of innocent child, ये statement कौन सी definition के अंदर आती है? Whether it is analogical or it is lexical or it is stipulative or it is persuasive. So first of all, we need to understand ये चारों ऑप्शंस के मीनिंग्स क्या हैं. जब तक हमें इनके मीनिंग्स नहीं पता होंगे, वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट ऑप्शन मींस कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स टू शो सिमिलैरिटीज. द फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनालॉजिकल डेफिनेशंस ऑलवेज कम्स इन योर एग्जाम्स. सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द एनालॉजिकल डेफिनेशंस हमेशा एग्जाम में आता है. इसका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिलेगा. इसका मीनिंग पता होना जरूरी है. इसका मीनिंग ये होता है कि व्हेन यू कंपेयर टू सब्जेक्ट्स टू शो द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. हम जब दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटीज बताने के लिए, दैट इज कॉल्ड द एनालॉजिकल डेफिनेशन. देन कम्स द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज लेक्सिकल. सो लेक्सिकल मीन्स यूजिंग ऑफ सर्च वर्ड्स फॉर वाइडर ऑडियंस. ऐसे वर्ड्स को यूज करना जो कि वाइडर ऑडियंस को समझ आए. सो द सेकेंड ऑप्शन मीनिंग इज ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जिसका मीनिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ये इसका मीनिंग ये है, वो समझ पाए. एंड द थर्ड ऑप्शन इज स्टिपुलेटिव. स्टिपुलेटिव मीन्स न्यू मीनिंग टू एग्जिस्टिंग टर्म्स. इसका मीनिंग ये है कि कोई टर्म जो पहले से है उसको एक नया मीनिंग देना. सो स्टिपुलेटिव मीन्स टू गिव मीनिंग टू द एग्जिस्टिंग टर्म, उसको एक नया मीनिंग दे देना. एंड फोर्थ वन इज पर्सुएसिव, विच मीन्स मैनिपुलेशन डन टू मेक अदर्स बिलीव योर आइडियाज, योर बिलीव्स. जब हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं, किसी को परस्यू करते हैं कि वो हमारे बिलीव्स को माने. तो अगर अभी स्टेटमेंट को देखा जाए, अबॉर्शन मीन्स अ रूथलेस किलिंग ऑफ इनोसेंट चाइल्ड. सो वट वी सी दैट यहाँ पर अबॉर्शन को एक मीनिंग दिया गया है कि इसका मीनिंग है रूथलेस किलिंग ऑफ इनोसेंट चाइल्ड, बच्चों को मार देना. सो इसका जो मीनिंग दिया है, इसका आंसर जाता है पर्सुएसिव, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रूव, वी आर ट्राइंग टू परस्यू, वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट समवन टू मेक अदर्स बिलीव दैट इसका मीनिंग ये है, अगर आप अबॉर्शन कराएंगे तो इसका मीनिंग होगा इट इज़ अ रूथलेस किलिंग ऑफ इनोसेंट चाइल्ड. सो दिस इज कॉल्ड पर्सुएसिव. ये स्टेटमेंट पर्सुएसिव में आता है. इट कांट बी एनोलॉजिकल, इट कांट बी लेक्सिकल एंड इट कांट बी स्टिपुलेटिव. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज पर्सुएसिव. एंड वाई इट इज पर्सुएसिव, बिकॉज यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई है. इट इज अ मैनिपुलेशन डन टू मेक अदर्स बिलीव वट यू थिंक. सो द फर्स्ट आंसर इज पर्सुएसिव. अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनसे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड दीज ऑप्शन यहाँ पर जो लिखे गए हैं, ये सारे पॉइंट्स, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्टेटमेंट्स विच आर म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्ट्री. वो स्टेटमेंट्स के बारे में बताएं जो म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्ट्री हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड वट इज कॉन्ट्रडिक्ट्री मीन्स एंड वट आर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अपोजिशन. सो वेन वी स्टडी सिलॉजिज्म, जब हम सिलॉजिज्म पढ़ते हैं, उसमें चार लॉज आते हैं, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्ट्री, इट हैज़ सब कॉन्ट्ररी, इट हैज़ सबॉल्टर्न लॉज. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कौन से लॉ में कौन सा फॉर्मूला जाएगा, वेदर इट इज ऑल टू नो और इट इज सम आर टू सम नॉट और इट इज सम आर नॉट टू नो. सो इन द कॉन्ट्रडिक्ट्री, वेन वी सी द ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैव फ्रेगरेंस, मोस्ट फ्लावर्स हैव नो फ्रेगरेंस, नन ऑफ द फ्लावर्स हैव फ्रेगरेंस, ऑल द फ्लावर्स हैव फ्रेगरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है मोस्ट को क्या बोला जाता है, मोस्ट का मतलब क्या है.
एग्जाम में भी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मोस्ट को ऑल कहते हैं या फिर इसको सम बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा मोस्ट का मीनिंग होता है सम. इट मीन्स सम ऑफ द फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस. सो इफ़ वी सी द ऑप्शंस, कॉन्ट्रोडिक्ट्री के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, जो कि हमारी सिलॉजिज्म की वीडियो है उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया है, वो ज़रूर देखिएगा. इसमें जो सिलॉजिज्म का फॉर्मूला जाता है लॉ का, वो जाता है थर्ड ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर सही होंगे. क्यों सही होंगे? बिकॉज फॉर्मूला इज आई टू ई, दैट मीन्स सम आर टू नो. सम ऑफ द फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस टू नन ऑफ द फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस, दैट मीन्स सम आर टू नो आई टू ई. तो कॉन्ट्रोडिक्ट्री का जो फॉर्मूला होता है वो ये दो ऑप्शन में अप्लाई होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू स्टडी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अपोजिशंस प्रॉपरली, सो दैट यू नो द फॉर्मूलाज, यू नो द ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हार्डली 30 seconds का है इफ यू नो द फॉर्मूला प्रॉपरली. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस वेयर नोन फैक्ट्स एविडेंसेस आर यूज टू फाइंड द हिडन फैक्ट्स. नाउ द क्वेश्चन इज, उसे हम क्या बोलेंगे जो फैक्ट्स यूज होते हैं अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए. क्वेश्चन में ये पूछा गया है, what do you call the facts which are used to know the unknown facts? जो unknown facts हैं उनको जानने के लिए हम जो facts use करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है inferences. It can't be premises, it can't be conclusion, it can't be a concept. They are called inferences. ये research methodology की definitions में बहुत basic point है. Inferences का meaning ज़रूर पता होना चाहिए, which means the facts you use to know the unknown facts. जो facts use करे जाते हैं unknown facts को निकालने के लिए, उनको देखने के लिए, the hidden facts basically. So to know hidden facts. So this is inferences. Now the fourth question is, dash is a type of reasoning which starts with particular statements and conclude with a universal state. So this question is again from logical reasoning's definitions, that is inductive, deductive, causal. These definitions are very important. ये definitions बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि inductive के क्या features हैं, deductive के क्या features हैं, इनमें क्या क्या आता है, कौन सी definition में हम general से particular में आते हैं, and कौन सी theory में and कौन सी definition में theory को build up किया जाता है. So यहाँ पर question पूछा गया है, कौन सी reasoning में हम पर्टिकुलर से जनरल में जाते हैं. वी गो फ्रॉम पर्टिकुलर, दैट इज़ वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, वी गो फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल. सो दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग. इट कांट बी दी एनालॉजिकल रीजनिंग, इट कांट बी डिडक्टिव रीजनिंग, इट कांट बी कैजुअल रीजनिंग. व्हाई? बिकॉज आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ बताई गई है, एनालॉजी मीन्स व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स टू शो द सिमिलैरिटीज, एंड डिडक्टिव मीन्स when you go from general to particular, when you go from universal to specific. So इसका उल्टा हो जाता है in deductive reasoning, and inductive reasoning में ये ऐसे ही चलेगा जैसे हमने लिखा है, and causal reasoning भी ये नहीं हो सकता. So the answer is deductive reasoning. And why deductive reasoning? Because in deductive reasoning you always go from the particular to general, from specific to universal. So this is the answer. Now the fifth question is, if all girls are beautiful is true, which statement will be false? Agar all girls are beautiful true hai, to galat kya hoga? Dekhiye yahan par aata hai opposite laws. Opposite laws char tarike ke hain. All ke liye alag hai, some are ke liye alag hai, no ke liye alag hai, and some are not ke liye alag hai. Yahan par jo opposite ka law आता है, दैट इज सम आर नॉट एंड नो. ऑल के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज सम आर नॉट एंड नो. ये दोनों इसके अपोजिशन में आते हैं. दिस क्वेश्चन हैज कम अ लॉट ऑफ टाइम, दैट दे आस्क दीज थिंग्स, दैट इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विच स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स विच स्टेटमेंट विल बी ट्रू. सो इसमें हमेशा हम अपोजिट देखते हैं. ऑल का अपोजिट क्या होगा, सम आर का अपोजिट क्या होगा, नो का अपोजिट क्या होगा. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी सी, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटिफुल, दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट. दिस विल बी द आंसर. एंड सम गर्ल्स आर ब्यूटिफुल, इट कांट बी द आंसर. नो गर्ल्स आर ब्यूटिफुल इज ऑल्सो देयर, सो इट विल ऑल्सो बी द आंसर. बिकॉज ऑल के यहाँ पर दो अपोजिट जाते हैं. अगर एग्जाम्पल में
नो गर्ल्स आर ब्यूटिफुल नहीं होता तो हम सिर्फ इसको मार्क करते, बट यहाँ पर नो गर्ल्स आर ब्यूटिफुल भी लिखा गया है तो आंसर में दोनों ही मार्क होंगे। कुछ बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, दे ओनली मार्क द फर्स्ट पॉइंट, कि पहला अगर अपोजिट ये जा रहा है तो खाली यही आंसर होगा, बट यू हैव टू मार्क बोथ ऑफ दीज बिकॉज दोनों ही अपोजिट हैं। हालांकि पहले ये वाला है देन ये है, बट इफ़ options has both the things, you have to mark both of them. So the answer will be I and third. So you have to mark C option. So this was our second mock test series, which was on logical reasoning. So we had solved 5 questions with proper explanations for you. And tomorrow we will be solving another mock test paper that will be on research aptitude. And do not forget to join our Telegram group and WhatsApp group for further quiz and for further mock test papers, which we conduct on daily basis, and tests are conducted in the morning slot and in the evening slot, both the timing. And the features of our UGC NTA NET courses are available in our site and also in the right side of your screen, so you can always join the courses. Thank you for watching the video, subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.